दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि IAS IPS अफसरों का तबादला क्यों और कैसे होता है, किन किन हालातों में तबादला किया जाता है, तबादला करने की प्रोसेस क्या क्या होती है, सभी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, किसी भी सिविल सर्वेंट का तबादला केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर करते हैं। इन तबादलों से कोई अधिकारी इनकार भी नहीं कर सकता। केवल कुछ विशेष हालातों में अधिकारी अपने लिए ट्रांसफर मांग सकता है या रोकने की अपील कर सकता है। अगर एक IAS किसी दूसरे IAS से शादी करे तो वे चाहे तो अपना स्टेट बदलवा सकते हैं। जैसे टीना डाबी और अतर खान दोनों ने पहले एक साथ रहने की अपील की और एक स्टेट में रहे। जैसा कि आप जानते हैं, अब तलाक की अर्जी के बाद उनके IAS पति अतर खान वापस कश्मीर तबादला चाहते हैं। इसे इंटर कैडर ट्रांसफर कहते हैं। सिर्फ शादी की वजह को लेकर कोई भी कपल अधिकारी एक कैडर में रहने की अपील नहीं कर सकता है, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से या फिर अगर किसी खास कैडर से कोई खतरा हो तब अपील कर सकते हैं। अगर खतरे का स्वास्थ्य के आधार पर किया गया अनुरोध सही पाया जाता है तो केंद्र सरकार उस अधिकारी के उसके पसंद के राज्य में 3 साल की डेप्यूटेशन पर भेज सकती है। इस समय के बाद दोबारा आकलन होता है और हालात तब भी वही दिखे तो अधिकारी के ही पसंद के राज्य में परमानेंट नियुक्ति भी हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी जिले में इन अधिकारियों का कामकाज उतना संतोषजनक न पाया गया तब भी केंद्र या राज्य सरकार इनका ट्रांसफर कर सकती है। दोस्तों, राजनीतिक दल के दबाव के कारण भी IAS IPS का ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन मीडिया के कारण राजनीतिक दल ऐसा करने में असमर्थ होते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज 1969 के नियम 7 के अनुसार राज्य सरकार के तहत काम करने वाले सिविल अधिकारियों पर केंद्र कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। अगर किसी खास हालात में एक्शन लेने की नौबत आ भी जाए तो केंद्र और राज्य दोनों की सहमति जरूरी है।